तो कैसे आप लोग लोग तब तो डॉक्टर 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 लोग लोग तब तो डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों फिर से आज की इस नई धमाकेदार वीडियो में। जहां दोस्तों आज की इस वीडियो फिर मैं आपको बताऊंगा ड्रीमलैंड अकाउंट से रिलेटेड कुछ नए प्रॉब्लम्स। यहां दोस्तों नए प्रॉब्लम्स ये है दोस्तों, अगर आपका ड्रीमलैंड अकाउंट में पैन कार्ड वेरीफाई है और उसे आप चेंज करना चाहते हो तो कैसे चेंज कर सकते हो। जी हां दोस्तों, मैं इस ट्रिक को जो आपको बताने वाला हूं, इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको मुझे 100% उम्मीद है दोस्तों आपका ड्रीमलैंड अकाउंट में जो आपका पैन कार्ड वेरीफाई वो चेंज कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपको करना क्या होगा पहले इस वीडियो में आप जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मेल करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको मेल करना है ड्रीमलैंड अकाउंट को, यहाँ दोस्तों मतलब उनके कस्टमर केयर पे आपको मेल करना है। कस्टमर केयर का जो ईमेल आईडी ऑफिशियल मेल आईडी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो आपको क्या मेल करना है यहाँ पर मैं पूरे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा दोस्तों, सॉरी वीडियो का पूरा वॉच कीजिएगा और मेरे स्टेप्स को आपको फॉलो कीजिएगा। मेरे वीडियो में जो बताया है उस ट्रिक को आप फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको कंपोज मेल पे क्लिक करना है एंड आपको टू में लिखना है आपका ऑफिशियल मेल आईडी, सॉरी दोस्तों आपको लिखना है ड्रीम इलेवन का ऑफिशियल मेल आईडी एंड आपको जो फॉर्म में लिखा है यहाँ पर फॉर्म जो लिखा है यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिखना है जिससे आपने ड्रीमलैंड अकाउंट बनाया था, आपको उस वाले ईमेल आईडी से आपको सेंड करना है। ऑफिशियल मेल आईडी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ड्रीमलैंड का जो ऑफिशियल मेल आईडी है fantasycricket@dream11.com। उसके बाद दोस्तों आपको सब्जेक्ट में लिखना है पैन कार्ड चेंज, वेरीफाई पैन कार्ड चेंज। हाँ गाइस, ये आपको लिखना है वेरीफाइड पैन कार्ड चेंज। उसके बाद दोस्तों आपको कंपोज मेल में क्या लिखना है, कंपोज मेल में लिखना है आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लिखनी है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के बाद दोस्तों आपको अपना जो ओल्ड पैन कार्ड है यहाँ पर लिखना है ओल्ड पैन कार्ड नंबर। आपको इसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है यहाँ पर मैं अभी वीडियो में सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी आपको जो तरीके का प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है ये आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है गाइस, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको, वो प्रॉपर तरीके से जो है दोस्तों आपको वहाँ से देख लेना है एंड आपको यहाँ पर लिखना है। मैं वीडियो को अभी ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता इसलिए मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, बाकी मैं प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कैसे आपको भेजना है, वहाँ से आप डायरेक्ट देख लीजिएगा। होल पैन कार्ड नंबर के बाद दोस्तों आपको लिखना है न्यू पैन कार्ड नंबर। लिखने के बाद गाइस आपको यहाँ पर लिखना है कि एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है। एक्सप्लेनेशन में आपको जो भी लिखना है यहाँ पर मैं यहाँ पर वीडियो मुझे गूगल ट्रांसलेट करना पड़ेगा, मैंने ट्रांसलेट किया ऑलरेडी तो यहाँ पर आपको मैं पेस्ट नहीं कर सकता, अभी कॉपी भी नहीं किया हूँ। तो यहाँ पर आपको जो भी लिखना है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भी डायरेक्ट कॉपी कर लीजिएगा। एंड गाइस एक बात और, आपको यहाँ पर अटैच फाइल करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या अटैच फाइल करना है, यहाँ पर आप क्लिक करके उस स्क्रीनशॉट को लीजिएगा जहाँ पर आपका पैन कार्ड वेरीफाइड है और आपको उसका न्यू मतलब जो आपने पैन कार्ड वेरीफाई है ऑलरेडी उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड करना है। एंड आपको किस लिए आप अपना ड्रीम इलेवन अकाउंट को गाइस जो है किस लिए मतलब आप ड्रीमलैंड अकाउंट में जो पैन कार्ड वेरीफाई आप उसे किस लिए चेंज करना चाहते हो आपको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मेल सेंड कर देनी है। जैसे दोस्तों आप मेल सेंड कर देंगे आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा एक टिकट आईडी, वहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम है जो आपकी ये पैन कार्ड चेंज करना चाहते हो आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपको वो चेंज कर दीजिएगा। अगर वो चेंज करेंगे तो, क्योंकि गाइस बहुत लोगों का पैन कार्ड में नाम अपडेट होता है, अपडेट कराते हैं बहुत लोगों को खो जाता है तो न्यूज़ कोई मतलब तो है नहीं। पैन कार्ड नंबर जैसे आपको अपडेट कराए कोई भी करेक्शन कराए तो आपको उनका वो जो है ये चेंज हो जाता है, फिर भी अगर आपका पैन कार्ड ऑलरेडी चेंज है किसी का और आपको लगाना है या बदलना है तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके जो है आप अपना पैन कार्ड चेंज करवा सकते हैं। तो उम्मीद कर दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर भी नहीं हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।